हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी कि रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की यह बात देख रहे हैं, और ये जो विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। हम लोग हर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 11 चैप्टर है, बट अगर साइड बुक की बात करें तो ये 18 चैप्टर है, मीन्स 18 चैप्टर है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या साइड बुक के अकॉर्डिंग लेसन 18 और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे 11 चैप्टर। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस वीडियो से आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप लोग एज अ मॉडर्न फिजिक्स के रूप में इस को जितने भी टॉपिक होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, यहां से लेकर के लास्ट चैप्टर तक हम लोग एज अ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से पढ़ेंगे। और इस मॉडर्न फिजिक्स से आपको बताना चाहेंगे कि आपके एग्जाम में लगभग 24 नंबर का पूछता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझिएगा। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पे जरूरत होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग कार्यफलन के नाम से जानते हैं। और कार्यफलन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। कार्यफलन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। एक तरह से ये कहेंगे कि न्यूनतम एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होती है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में ये काम करती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं। तो चलिए अब इसकी डिफिनेशन लिखेंगे और इसको समझेंगे भी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु से किसी इलेक्ट्रॉन को धातु से ठीक बाहर निकालने ठीक बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, धातु का कार्यफलन किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कार्यफलन कहते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। व्हाट इज द वर्क फंक्शन, वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाई फाई, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं।
ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज वर्क फंक्शन, कहेंगे द मिनिमम एनर्जी फ्रॉम इजेक्ट द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय फाइ। इसको लिखेंगे नहीं बट आप दिमाग में रखिएगा, इसको हम डिनोट करते हैं क्या चीज से, तो फाइ से। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसे कहते हैं। मींस जब कोई धातु पर, जब कोई धातु पर अगर ताप दिया जाए या धातु को गर्म किया जाए, तो गर्म करने के पश्चात जब उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसे कहते हैं। जब किसी धातु को गर्म करते हैं या धातु पर हम ताप देते हैं, तो धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बाहर निकलने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कह देते हैं। चलिए तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। धातु पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है, तो इस घटना को ही हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कह देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होते हैं, जब धातु को गर्म करते हैं तभी धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इस घटना को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और धातु से कब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जब उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। मीन्स हम कहेंगे द इलेक्ट्रॉन विच इज कम आउट फ्रॉम द मेटल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। मीन्स इलेक्ट्रॉन जब धातु से बाहर निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन। मीन्स द इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द मेटल, द इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द मेटल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं किसी धातु से, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस घटना को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के चार प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन चार प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन उत्सर्जन होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन,
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन तो कहेंगे क्या, ये निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं, ये निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। पहला की बात करते हैं तापायनिक उत्सर्जन, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। तापायनिक उत्सर्जन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। ध्यान से समझिएगा, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स इमिशन। फर्स्ट थर्मियोनिक इमिशन मीन्स चार प्रकार के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होते हैं। पहला हम कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन। ये तापायनिक उत्सर्जन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी धातु पृष्ठ पर हम ताप से गर्म करते हैं, जब धातु पृष्ठ को ताप देते हैं, ताप देने के बाद वो धातु पृष्ठ गर्म हो जाता है, और जब गर्म होकर के उस धातु पृष्ठ से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे को हम लोग बोल देते हैं तापायनिक उत्सर्जन। क्या बोलेंगे, तापायनिक उत्सर्जन। तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे। इसको लिखने से पहले क्या करेंगे कि नीचे आपको पूरी तरह से इसका डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे, तो इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको ऊपर मिटा करके लिखेंगे डिटेल में और समझेंगे एक एक करके। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम लोग तापायनिक उत्सर्जन की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, तापायनिक उत्सर्जन ध्यान से समझिएगा, जब एक धातु को गर्म किया जाता है, जब एक धातु को गर्म किया जाता है, जब एक धातु को गर्म किया जाता है, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा की तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन ताप ऊर्जा की अवशोषित कर ताप ऊर्जा को अवशोषित कर तापूर्जा को अवशोषित कर पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं, पृष्ठीय अवरोध को पार
पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं। पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं, परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं। उत्सर्जन की यह प्रक्रिया उत्सर्जन की यह प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। इन उत्सर्जी इलेक्ट्रॉनों को तापायन कहते हैं। इन उत्सर्जी इलेक्ट्रॉन को तापायन कहते हैं। जैसे इसको फिगर से आप समझिएगा, ये कोई धातु प्लेट है और इससे क्या है कि ये कैंडल है और इस तरह से ये जल रहा है। ये कैंडल है और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को ही हम क्या कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब किसी धातु से इस तरह से होता है कि धातु पर अगर हम कोई ताप देते हैं, जैसे ये कोई धातु पृष्ठ है और इस धातु पृष्ठ पर जब हम किसी कैंडल या किसी भी ऐसे पदार्थ से ताप देते हैं जो धातु पृष्ठ गर्म होने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, उसी को थर्मियोनिक इमिशन क्या कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कह देते हैं। तापायनिक उत्सर्जन में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को हम उसको टेम्परेचर देते हैं, मींस हीट करते हैं। हीट करने के बाद जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जब धातु पृष्ठ को जब हम ताप देते हैं और ताप के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम तापायनिक उत्सर्जन कह देते हैं, क्योंकि ये ताप के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। चलिए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। सेकेंड, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है। जैसे हम लोग इसे थर्मियोनिक इमिशन में देखें कि किसी भी धातु प्लेट पर हम ताप के द्वारा जब गर्म करते हैं तो उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में
किसी धातु के पृष्ठ पर जब हम प्रकाश आपतित कराते हैं तो उस प्रकाश के द्वारा वो धातु पृष्ठ ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित करने लगता है तो धीरे धीरे वो हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है और गर्म होने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उत्सर्जित होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। यानी कि प्रकाश के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसे हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कह देते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी परिभाषा भी लिखेंगे और फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब उचित आवृत्ति का प्रकाश, जब उचित आवृत्ति का प्रकाश, जब उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, आपतित होता है तब, आपतित होता है तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तब धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आपतित प्रकाश की ऊर्जा को, आपतित प्रकाश की ऊर्जा को आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तथा पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं, तथा पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं, पृष्ठीय अवरोध को पार कर जाते हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं, धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं, धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की यह प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की यह प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की यह प्रक्रिया दिखाई तो दे ही रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होती है और आपतित होने के बाद वो धातु पृष्ठ ऊर्जा को अवशोषित करने लगती है, जब ऊर्जा को अवशोषित करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है
वहां से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। तो इस प्रकार की जब ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रॉन किसी धातु पृष्ठ से बाहर निकलती है तो उसे हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ये प्रकाश के कारण जो धातु पृष्ठ गर्म होती है और गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालती है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाती है। और यह जो घटनाएं घटती है इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको फिगर के माध्यम से भी समझेंगे कि किस तरह से प्रकाश आपतित होती है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम अब इसकी एग्जांपल मींस फिगर के साथ हम आपको समझाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होती है और आपतित होने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और ये भी कहेंगे तथा इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको आप लोग फिगर से समझिएगा। मान लिया कि ये कोई धातु पृष्ठ है और इस धातु पृष्ठ पर इस तरह से प्रकाश आपतित हो रही है और धातु पृष्ठ को धीरे धीरे गर्म करती है और गर्म जैसे ही हो जाता है अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है इस तरह से बाहर निकलने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है किसी भी धातु पृष्ठ से तो इसे हम बोल देते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कब होता है? जब इस प्रकार से जब प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होती है और आपतन के बाद इस धातु पृष्ठ को गर्म कर देती है और गर्म करने से इससे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर उत्सर्जित होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कह देते हैं। और इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट द्वितीयक उत्सर्जक सेकेंडरी इमिशन। ये द्वितीयक उत्सर्जक होता क्या है इसको आप एक बार पहले समझ लीजिए। जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं,
जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं तो धातु पृष्ठ उस ऊर्जा को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है, यानी कि धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को ही हम द्वितीयक उत्सर्जक कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब किसी धातु पृष्ठ पर हम उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित कराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा धातु पृष्ठ गर्म हो जाता है और उस धातु पृष्ठ से दोबारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को हम द्वितीयक उत्सर्जक कह देते हैं। इसको आप समझिएगा इस तरह से, जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होते हैं तब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की यह विधि द्वितीयक उत्सर्जक कहलाती है। द्वितीयक उत्सर्जक कहलाती है। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी धातु पृष्ठ पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित कराते हैं, तो धातु पृष्ठ उस ऊर्जा को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद वहां से दोबारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को ही हम इलेक्ट्रॉन का द्वितीयक उत्सर्जक कह देते हैं। और इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक कहलाते हैं। चलिए इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, मीन्स फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये कोई धातु पृष्ठ है और इस धातु पृष्ठ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन्स आपतित कराए जाते हैं और यहां से फिर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से
बाहर निकलने लगती है। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगती है तो ऐसी घटना को ही हम द्वितीयक उत्सर्जक कहते हैं। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चौथा और लास्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम चौथा और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चारों प्रकार है, इसे आप लोग याद जरूर रखे रहिएगा। ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम है थर्मियोनिक इमिशन, अर्थात हम तापायनिक उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। पहला क्या है? तापायनिक उत्सर्जन। और दूसरा जो है वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। दूसरा हम लोग पढ़े हैं, सेकेंड प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, और थर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं वो है द्वितीयक उत्सर्जक। ये चौथा और लास्ट है क्षेत्र उत्सर्जक, फोर्थ पॉइंट क्षेत्र उत्सर्जक फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन इसको आप ध्यान से समझिएगा, जब धातु के पृष्ठ पर उच्च विद्युत क्षेत्र, जब धातु के पृष्ठ पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है जब धातु के पृष्ठ पर उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। तब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन की यह क्रिया क्षेत्र उत्सर्जक कहलाती है। उत्सर्जन की यह क्रिया क्षेत्र उत्सर्जक कहलाती है। क्षेत्र उत्सर्जक कहलाती है। इस प्रकार के उत्सर्जन को शीत उत्सर्जक या शीत कैथोड उत्सर्जन भी कहते हैं। शीत कैथोड उत्सर्जन भी कहते हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई धातु की प्लेट है और यहां से कोई विद्युत
क्षेत्र उत्पन्न कराया जाता है। क्या कराया जाता है? उच्च विद्युत विभवांतर के द्वारा, उच्च विद्युत विभवांतर के द्वारा क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। तो ऐसे उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र उत्सर्जक। ध्यान से समझिएगा, क्षेत्र उत्सर्जक किसे कहते हैं? जब किसी धातु पृष्ठ धातु को हम विद्युत क्षेत्र, उच्च ऊर्जा के विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम क्षेत्र उत्सर्जक कहते हैं, या हम शीत कैथोड कहते हैं, या फिर शीत कैथोड उत्सर्जन भी कह देते हैं। ये अक्सर आप हीटर आप लोग देखते होंगे, हीटर में जो नाइक्रोम तार होता है उसमें हम लोग जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो पूरी तरह से लाल हो जाता है। जब पूरी तरह से लाल हो जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र उत्सर्जक। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्यफलन क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखे तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए, और यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।